किसान संगठन इकट्ठा हुए हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा देश की राजनीति पर? देश की राजनीति पर तो प्रभाव पड़ चुका है और ये प्रभाव पड़ चुका है कि ना तो इतिहास में आजादी के पहले और आजादी के बाद कभी 208 संगठन इकट्ठे हुए थे और न ही कभी संपूर्ण विपक्ष ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। किसान आंदोलन देश में लगातार चलते रहे लेकिन राजनीतिक पार्टियां कभी कभार अपने हिसाब से एक दो पार्टियां करती रही। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्टियों ने इतना जबरदस्त तरीके से एकजुटता दिखाई पड़ी, इसलिए दिखाई पड़ी कि एक दो पार्टियों को लगा कि जो जेन्युइन है इनके इशूज दूसरा मुंडी वाला और लाभकारी मुझे गारंटी का दूसरा ये फिर सुनने कानून के फॉर्म में हम लोग जब लाए तो फिर उनके बस की बात थी वो संसद के अंदर दूसरा चीज जो परिस्थिति बनी उसको मैंने किया कि भाई मोदी ही एक ऐसा है कि मतलब किसान में जो मुकाबला कर रहा है वो मोदी से मुकाबला किसान ही कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को शायद असहाय मानती हैं या अक्षम मानती हैं कि मतलब उनकी इतनी ताकत नहीं है कि वो कर सके, लेकिन देश का किसान उससे वातावरण जो बना वो बना ये अधिकार आंदोलन के माध्यम से। ये जो भू अधिकार बिल 3 बार मोदी लेके आए और उसका जो विरोध किया किसान संगठनों ने और जो रोक दिया सरकार चाहकर भी बिल पारित नहीं करा पाई, उससे एक किसानों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और किसानों को ये भी समझ में आया कि जो व्यक्ति उनकी अपनी पार्टी थी जब उनमें सहमति एक बनाई थी और संसद के अंदर जो बिल लेके आया था जो पारित किया गया था यूपीए की सरकार के अंदर उसके अंदर तो सुमित्रा महाजन जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे जो अपनी स्पीकर है, तो ये समझ में आया लोगों को कि भाई ये पीछे हट रहे हैं किसानों के सवालों को लेकर और किसान आगे बढ़ रहा है। तो एक के बाद एक जो फिर उसके बाद फसल बीमा योजना की उनका डिक्लेरेशन किया वो पूरी योजना फ्लॉप हो गई, उससे और भी ज़्यादा लोगों में नाराजगी बढ़ी। धावंतर योजना मध्य प्रदेश के अंदर लागू हुई थी वो भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। फिर इन्होंने कहा कि हम 50% देंगे लेकिन वास्तव में देने का काम नहीं किया। तो समझ में आ गया कि ये केवल 2014 के अंदर भी उन्होंने कहा था कि ये देंगे सीधी 50% लेकिन उन्होंने नहीं दिया। कुल मिलाकर के समझ में आया कि बदनीयति है मोदी जी की और वो केवल इस देश में मोबाइल मॉडल को तोड़ना चाहते हैं। मतलब मोदी जी अदानी या कॉरपोरेट को अधिकतम मुनाफा देने के लिए ही काम करना चाहते हैं। अब जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों ने विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया है लेकिन सत्ता में आते ही वो सब अपना समर्थन भूल जाते हैं, तो इसको फिर हम कैसे देखेंगे? देखिए भूल जाने का सवाल तब होता है जब आपने केवल घोषणा की, लेकिन अगर कानून का मामला हो जाता है कि आप जब कानून पारित हो जाएगा तो फिर तो मतलब आपका एक लीगल बाइंडिंग होगी ना आपके ऊपर। तो कानून भी तो उन्हीं को पारित करना है ना। तो कानून तो जब 25 पार्टियां इकट्ठी हैं और मोदी के खिलाफ में इकट्ठी हैं तो या तो आपको देखिए बीजेपी ने आपको मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर भी कर्जा मुक्ति की बात कही थी, कर्जा माफी थी उन्होंने यूपी के अंदर भी कही थी लेकिन बहुत ही मतलब सिकाजा ना मरे मराए ढंग से अधमरे ढंग से और बहुत कम किया उन्होंने। मतलब मेरा ये है कि सरकार भी बहुत दबाव में है। आपने कभी देखा नहीं होगा कि पहली बार देश में ऐसी स्थिति बनी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी किसान 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 कर रही है, ऐसी देश में कभी स्थिति नहीं बनी। तो किसान ने दबाव पैदा करने का काम किया है और अपने एजेंडे को राजनीति में लाने में सफलता हासिल की है। एजेंडा राजनीति में आ गया है और जो है अब चुनाव के अंदर भी एजेंडा बन रहा है। तो हमारी कोशिश ये है 2019 का चुनाव जो है उसका एजेंडा ही हम लोगों ने सेट किया है और हम लोग से और आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों की जो पूरी एकता थी वो केवल और केवल 2 मुद्दों को लेकर एकता बनी थी लेकिन अब जो है ये एकता और व्यापक आगे बढ़ रही है। इसके अंदर अब किसानों के पेंशन का मामला आ रहा है, इसके अंदर किसानों के भूमि के अधिग्रहण का मामला आ रहा है, इसके अंदर तमाम सारी चीज़ें जो अलग अलग किसान आंदोलन इस्तेमाल करते थे लेकिन हम लोग जो है अब उसके ऊपर एकजुट होकर के लड़ाइयों को हम लड़ने वाले हैं। मुझे लगता है कि
उनका जो मार्च है बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। सरकार डरी हुई है, सरकार ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। जब मार्च की अनुमति नहीं दी है अभी तक तो सरकार ने अनुमति नहीं दी है और सरकार की ये हिम्मत भी नहीं है कि सरकार जो है वो दमन करने का काम करे, क्योंकि ये कोई एक संगठन नहीं है। इसकी जो पॉलिटिकल जो स्पेक्ट्रम है, इसकी पॉलिटिकल ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। पूरे देश के अंदर इसकी बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए हम मानते हैं कि कल जो है ये बात तय हो जाएगी कि सरकार की कितनी हिम्मत सरकार जुटा पाती है कि वो किसानों को आगे बढ़ने से रोक पाती है क्या। मुझको लगता है कि वो रोक नहीं पाएगी, सरकार इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगी कि संपूर्ण विपक्ष से मुकाबला करे, 208 किसान संगठनों से मुकाबला करे। और अभी तो राजस्थान का चुनाव होना बाकी है, अगर कल कुछ भी मतलब एक दमनकारी नीति सरकार अपनाती है तो सरकार को राजस्थान से हाथ धोना पड़ेगा और 2019 के अंदर भी फिर किसान सबक सिखाने का काम करेगा। तो चलिए, हमारी भी यही उम्मीद है कि आप लोगों की मांगे पूरी हों। धन्यवाद।